नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व राष्ट्रभक्ति का संदेश देने कहलगांव में निकाली गई तिरंगा यात्रा, युवाओं में दिखा उत्साह। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में आंतरिक संसाधन की हुई बैठक, एडीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश। बांका एसडीपीओ ने पंजवारा थाना का किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन के दिए निर्देश। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मजदूर हुआ घायल, आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को किया घंटों जाम। और श्रावणी मेले में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर कांवड़ियों को किया जा रहा है जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त से पूर्व राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को छात्र संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। कहलगांव प्रखंड मुख्यालय से निकाली गई तिरंगा शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लिए पूरे नगर का भ्रमण किया, जिसके बाद यह यात्रा स्टेशन परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा नगर गूंजता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन नयन तिवारी ने किया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे नयन तिवारी ने कहा कि इसका उद्देश्य आम लोगों में राष्ट्रभक्ति का संदेश देना है। इस मौके पर राजकुमार पाठक, देवाशीष प्रभु, गोपाल विकास, आमोद सहित काफी संख्या में राष्ट्रप्रेमी मौजूद थे। हमें आजादी तो भले 15 अगस्त को मिली है, लेकिन 15 अगस्त के पहले कितने कुर्बानियां देनी पड़ी है। उस कुर्बानियों को याद करने के लिए हम पूरे कालाम नगर में 2 दिन पहले ये तिरंगा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। भागलपुर डीआरडीए सभागार में मंगलवार को आंतरिक संसाधन और राजस्व वसूली से संबंधित बैठक एडीएम राजेश झा राजा की अध्यक्षता में हुई। एडीएम ने सभी सीओ एवं राजस्व वसूली से जुड़े सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। एडीएम ने दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान वसूली समेत राज्य से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी सीओ से जमीन संबंधित कार्यों का निपटारा अविलंब करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को लेकर जिले के सभी तालाब, पोखर समेत जल संचयन के स्थलों की सूची बनाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने को कहा। इस दौरान सीजेसी, एमजेसी, म्यूटेशन के अलावा कई कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही सुल्तानगंज सीओ से कार्यों में लापरवाही एवं सुनवाई में उपस्थित नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल, विभिन्न अंचलों के सीओ, निबंधन, खनन, कृषि समेत राजस्व वसूली से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बांका में विधि व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने मंगलवार को पंजवारा थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीपीओ ने कई लंबित कांडों की समीक्षा की और अभिलंब कांडों के निष्पादन का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। एसडीपीओ ने 3 माह पूर्व पंजवारा थाना क्षेत्र से गायब महिला की रिपोर्ट थानाध्यक्ष से तलब की और महिला के गाँव पहुंचकर घर वालों से जानकारी ली। वहीं एसडीपीओ ने थाना क्षेत्र में गश्ती तेज करने के साथ बॉर्डर पर अवैध शराब को लेकर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। भागलपुर के जगदेशपुर थाना क्षेत्र फुलवरिया गांव के समीप ट्रक की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल मजदूर की पहचान लालबाग निवासी फंटूस दास के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने भागलपुर हसडिया मार्ग को 3 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार सड़क के दोनों छोर पर लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बिहार के बांका, सुपौल सहित कुल 13 जिलों में सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। महिला विकास निगम, यूनिसेफ एवं एक्शन एड के संयुक्त तत्वाधान में इस मुहिम की शुरुआत की गई है। श्रावणी मेला में कांवरिया पथ के अबरखा स्थित टेंट सिटी में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर आधारित जागरूकता फिल्मों का प्रसारण कांवरियों के बीच किया गया, जिससे लोगों को इस कुप्रथा के परिणामों से अवगत कराया जा सके।
यूनिसेफ एवं एक्शन एड की जिला कोऑर्डिनेटर स्मिता सिंह की देखरेख में टेंट सिटी में फिल्मों का प्रसारण किया गया। जिला कोऑर्डिनेटर स्मिता सिंह ने बताया कि बांका जिला में लगभग 44% बाल विवाह हो रहा है, जो काफ़ी दुखद है। वहीं सुपौल जिला में इसका प्रतिशत लगभग 56 है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको लेकर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। इस मुहिम को फिर से गति देने के लिए बिहार के 13 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंगलवार को कहलगांव के सत्कार चौक पर सदस्यता अभियान शिविर लगाया गया। शिविर का नेतृत्व राजद प्रखंड अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने किया। शिविर में पहले दिन 1000 लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाया गया, जबकि 100 लोगों को क्रियाशील सदस्य बनाया गया। प्रखंड अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने कहा, पूरे राज्य में राजद की ओर से 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर जबीन शम्स निजामी, मुखिया तबरेज आलम, नगर अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, पवन भारती सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सदर अस्पताल में अब गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ किया, जिसके बाद कई महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया गया। लंबे समय से सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और प्राइवेट में जाकर परिजनों को गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता था, जो गरीब परिवार के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। इसके कारण कई बार मरीज की हालत अधिक बिगड़ जाती थी। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने से अब समय पर मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ए के मंडल, डॉक्टर अल्पना मित्रा, डॉक्टर आभा सिन्हा, डॉक्टर टीना हुसैन, अस्पताल प्रबंधक जावेद मंजूर समेत कई स्वास्थ्य कर्मी एवं ANM मौजूद थे। बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल की ओर से मंगलवार को भागलपुर में ग्राहक मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बैंक के अधिकारियों ने जानकारी दी। बैंक के जोनल मैनेजर राजेश सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ बैंकों के माध्यम से आम लोगों एवं व्यवसायियों को सस्ता लोन मुहैया कराने की पहल की है, जिससे व्यवसायियों के साथ युवा एवं महिलाएं भी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के साथ कृषि के क्षेत्र में विकास करने एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में बैंकों का अहम योगदान है। सरकार एवं बैंक की मदद से आम लोग व्यवसाय से जुड़ सके, इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर रहेगा। सम्मेलन को डीजीएम नवरुण चटर्जी, मुख्य प्रबंधक नेकी राम, वरीय शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्रा ने संबोधित किया, जबकि व्यापारियों ने भी अपनी बात सम्मेलन में रखी। इस मौके पर मार्केटिंग मैनेजर अहमद हुसैन समेत भागलपुर बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखा प्रबंधक, अधिकारी एवं काफी संख्या में ग्राहक एवं व्यापारी मौजूद थे। ग्राहक मिलन सम्मेलन है, इसमें हम अपने ग्राहकों को ये बताना चाह रहे हैं कि एमएसएमई लोन्स को, इसके अलावा एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया, इसके अलावा एफआई जिसमें अटल पेंशन योजना, पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इन सब सुविधाओं का अच्छे तरीके से विस्तार हो सके, जिससे बैंकों की लाभप्रदता भी बढ़े और सरकार के मुद्रा प्रवाह में जो सरकार की जो अच्छे भारत अच्छा देश बनाने की तरफ से वो बैंकों का योगदान है, उसमें हम ग्राहकों के साथ अपने विचार बांटने के लिए इकट्ठे। भागलपुर के एक होटल में मंगलवार को इलाहाबाद बैंक की ओर से एमएसएमई कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक कर्मियों के साथ व्यापारियों एवं आम ग्राहकों को सूक्ष्म लघु मध्यम इकाई के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ऋण एवं कारोबार को विस्तार देने से संबंधित जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि इलाहाबाद बैंक रांची के सर्किल महाप्रबंधक विजय कुमार सरंगी ने कहा कि केंद्र सरकार व्यवसायियों के साथ सभी लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग इसका सही लाभ ले सकते हैं। सीजीएम ने कहा कि इलाहाबाद बैंक सबसे पुराने बैंकों में एक है और ग्राहकों के विश्वास एवं सहयोग के बल पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बैंक द्वारा ग्राहकों एवं व्यापारियों के हित में चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने की बात कही, जबकि बेहतर व्यवसाय एवं सेवा के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। एजीएम रमेश कुमार मिश्र ने कहा कि छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कैंप को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भिवानी बाला ने संबोधित करते हुए बैंक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और सभी व्यवसायियों से एमएसएमई के माध्यम से व्यापार बढ़ाने की बात कही। मंच संचालन सहायक प्रबंधक संजय कुमार लाठ ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन आरएमपीसी के मुख्य प्रबंधक शंकर झा ने किया। इस मौके पर प्रबंधक अश्वनी कुमार दास, विनोद अग्रवाल, गोपाल खेत्रीवार, गिरिधर गोपाल मावंडिया समेत बैंक के विभिन्न शाखाओं से आए अधिकारी, व्यापारी एवं ग्राहक मौजूद थे। इलाहाबाद बैंक के मंडलीय कार्यालय द्वारा एमएसएमई कैंप आयोजन किया गया था, जिसमें हम छोटे और मध्यम श्रेणी के जो भी व्यवसायीगण हैं उनके बैंकीय वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोगों ने 34 ऐसे उद्यमी को चयनित किया था और लगभग 17 करोड़ रुपए हम लोगों ने वितरित किए हैं। भागलपुर क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि और कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे वित्तीय आवश्यकताओं को देखकर उसका चयन किया गया, जिससे कि यह व्यवसाय और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग का व्यवसाय आगे बढ़ सके। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व राष्ट्रभक्ति का संदेश देने कहलगांव में निकाली गई तिरंगा यात्रा, युवाओं में दिखा उत्साह। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में आंतरिक संसाधन की हुई बैठक, एडीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश। बांका एसडीपीओ ने पंजवारा थाना का किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन के दिए निर्देश। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मजदूर हुआ घायल, आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को किया घंटों जाम। और श्रावणी मेले में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर कांवरियों को किया जा रहा है जागरूक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।